कहते हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है। सऊदी अरब के साथ गोला बारूद की डील हुई, लेकिन अब ओमान ने जो दे दिया है भारत को वो बहुत ही बढ़िया है। ओमान के एक बड़े बंदरगाह पर अब भारत का कब्जा, और ये कब्जा हिंद महासागर में भारत को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना रही है। चाइना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जानेंगे किस तरीके से लाल सागर के खेल को भी भारत ने मात दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को ओमान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। भारत को डुक्कम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। डुक्कम बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को बढ़ा सकता है। डुक्कम बंदरगाह मुंबई से पश्चिम की ओर एक सीध में स्थित है। ऐसे में भारत ओमान के डुक्कम बंदरगाह के जरिए अपने माल को आसानी से जमीनी रास्ते से सऊदी अरब और उससे भी आगे पहुँचा सकता है। इससे अदन की खाड़ी और लाल सागर में सटे इलाकों में हुती विद्रोहियों के हमलों से भी निपटा जा सकेगा। इस क्षेत्र में हाल की हिंसा के कारण समुद्री व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत सऊदी अरब के रास्ते सड़क मार्ग से अपना व्यापार को जारी रख सकता है। ओमान का डुक्कम बंदरगाह समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भारत के लिए एक लॉजिस्टिक बेस मुहैया कराएगा। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि ये मानवीय सहायता और आपदा राहत में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा। ये बंदरगाह भारतीय और अफ्रीकी बाजारों तक आपूर्ति करने वाली शिपिंग लाइन के लिए आसानी से उपलब्ध होगा। बंदरगाह तक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक लाभ रखती है, क्योंकि इससे खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर को बाईपास किया जा सकता है। डुक्कम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंटीग्रेटेड जहाज मरम्मत यार्ड और ड्राई डॉक सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में जहाजों को रिपेयर करने के कामों को भी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। ये बंदरगाह ओमान की राजधानी मस्कट से 550 किलोमीटर दक्षिण में है। डुक्कम से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा जा सकता है। खैर, आपको बता दें, जिस तरीके से भारत और ओमान के बीच में ये रिश्ते बढ़ रहे हैं, इस बढ़ते हुए रिश्ते के और भी कई सारे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा था, लाल सागर को लेकर मामला बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पर मीटिंग बुलाई जा रही है आज के ही दिन में कि आखिरकार लाल सागर का करना क्या है। इसके पीछे कारण है, भारत की अर्थव्यवस्था भी लाल सागर की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देख सकते हैं, 7 शिप जिसमें फर्टिलाइजर थे उनको अपने रूट को बदलना पड़ा है। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वैसे अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो अरब देश है, अरब देशों में ओमान पहला देश था जिसने भारत के साथ रणनीतिक संबंध, खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में स्थापित करने शुरू किए। हाल ही में ओमान के राष्ट्राध्यक्ष, जो ओमान के सुल्तान हैं, वो भारत आए थे। भारत में मीटिंग भी हुई थी और इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात करेंगे। और कहा जाता है कि जल्द ही ओमान और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में व्यापार एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आपको बता दें, भारत के दोस्त हैं ओमान, और जब ये भारत आए थे ओमान के राष्ट्राध्यक्ष, तो उससे पहले पाकिस्तान इजराइल को लेकर, भारत के रवैये को लेकर बहुत सारी अफवाह को फैला रहा था। पाकिस्तान कई झूठे अफवाह चला रहा था कि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, फलस्तीन का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के
विस्तृत देशों में भारत विरोधी माहौल बनाने में मदद मिली। लेकिन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख का समर्थन नहीं किया और भारत के साथ सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाने का फैसला किया। अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला ओमान 1,00,000 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। ये देश 1970 के दशक में अपने अस्तित्व में आया जब सुल्तान कबूस के शासनकाल के शुरुआत में इसका नाम मस्कट से बदलकर ओमान कर दिया गया। ओमान का ऐतिहासिक महत्व यहीं नहीं रुकता है, इसे पृथ्वी पर सबसे पुराने मानव निवास स्थानों में से एक माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी सहयोगी है। ओमान के बंदरगाह अरब सागर और ओमान की खाड़ी से सटे फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। यह देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रूट के किनारे स्थित है। ऐसे में भारत के लिए ओमान का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। ओमान खाड़ी में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार देश है और GCC अरब लीग हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण देश भी है। ओमान भी भारत के साथ अपने संबंधों को बड़ी प्राथमिकताएं देता है। अरब सागर के दो किनारों पर बसे दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में बहुत ही बढ़िया वाले संबंध रहे हैं। इनका श्रेय है ऐतिहासिक समुद्री व्यापार, भारत के साथ शाही परिवार की घनिष्ठता और ओमान के निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय की निभाई गई मौलिक भूमिका। ओमान और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा लगातार होती रहती है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर 16 दिसंबर को पहुंचे थे और यहां पर इसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दोनों के रिश्ते बढ़ते चले गए। आपको बता दें, न सिर्फ इतना बल्कि अभी कल की ही डेट में ओमान और इंडिया का एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 523 करोड़ के IPO के साथ उतरा है, यानी इन्वेस्टमेंट भी भारत में लगातार हो रही है। आपको बता दें, हाल ही में एक लेक्चर सीरीज रिलीज की गई थी जो ओमान और भारत की संस्कृति को दिखाता है, 5,000 साल पुराने दोस्ती को दिखलाता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने, इन्होंने भारत ओमान मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग की, यहां पर बैठक की अध्यक्षता की। दोनों देशों में मिलिट्री के सहयोग भी बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और ओमान का जो पार्टनरशिप है ये बड़े ही लंबे समय तक एक विश्वासी पार्टनर्स के रूप में काम करेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, PM मोदी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में वहां पर हो रहे एक यूनिक जुगलबंदी को दिखलाया था कि किस तरीके से वंदे मातरम ओमानी बैंड स्टाइल पर प्ले किया गया और इसमें भारत का ओडिसी नृत्य को किया गया। भारत और ओमान के बीच में संबंध एक अलग लेवल पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।